स्टार फ्रूट के पौधे में फूल आने के समय स्वस्थ फूल और फलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सही पोषक तत्व प्रदान करना आवश्यक है। फूल आने के दौरान स्टार फ्रूट के लिए सबसे अच्छा उर्वरक पोषक तत्व विशेष रूप से फास्फोरस पोटेशियम से भरपूर होनी चाहिए, जो फूल और फल के उत्पाद को बढ़ाने में मदद करते हैं। संतुलित उर्वरक जैसे कि NPK 10-10-10 एक संतुलित उर्वरक यह सुनिश्चित करता है कि पौधे को सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त हो। पत्ती की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, जड़ और फूलों के विकास के लिए फास्फोरस, फलों के निर्माण और पौधे के स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम जैसे उर्वरक का इस्तेमाल करें। जैविक विकल्प के लिए आप जैविक खाद जैसे अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या बोन मिल जैसे उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो धीमी गति से निकलने वाले पोषक तत्व प्रदान करते हैं और बोन मिल फास्फोरस के लिए विशेष रूप से अच्छा होता है। जैविक खाद खाद की एक अच्छी परत मिट्टी को पोषक तत्व से समृद्ध करती है, जो जल निकासी में सुधार करती है। अच्छी तरह से तैयार की गई खाद जैसे कि मुर्गी की खाद या गाय की खाद धीमी गति से पोषक तत्व प्रदान करती है। सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये जैविक उर्वरक सूक्ष्म पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, जो पौधे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। बढ़ते मौसम के दौरान पौधे को हर 6 से 8 सप्ताह में खाद दें। जैविक उर्वरक का उपयोग साल में 2 से 3 बार करें। स्टार फ्रूट के पौधे के विकास और फलन के लिए मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इनमें कमी नजर आए तो पत्तियों का पीला पड़ना, विकास में रुकना, तो इस सूक्ष्म पोषक तत्व से युक्त पत्तियों पर छिड़काव या मृदा परिशोधन का प्रयोग करें। यदि आपके स्टार फ्रूट के फूल और पत्तियों में कीड़े लगे हुए हैं तो आप नीम का तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम का तेल एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है। यदि आपके घर में स्टार फ्रूट के प्लांट है तो आप ये वीडियो में जितने भी फर्टिलाइजर के बारे में बताया है आपको, ये सभी का यूज़ आप अपने स्टार फ्रूट के प्लांट पर करेंगे तो आपके स्टार फ्रूट के प्लांट हमेशा हरा भरा और फल और फूलों से भरे रहेगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।